बंदरों के उत्पात से हमारे देश के माननीय भी परेशान हैं। जहां देश के बड़े बड़े मसलों की चर्चा होती है, वहां भी बंदरों का उत्पात एक मसला बन गया है। दरअसल संसद भवन परिसर भी बंदरों के उत्पात से अछूता नहीं है। संसद सुरक्षा सेवा के एक सर्कुलर से मिली जानकारी के मुताबिक संसद भवन परिसर में बंदरों की अक्सर मौजूदगी देखी गई है। वहीं अब उत्पात मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो लंगूर की आवाज निकालेंगे और बंदरों को भगाएंगे। इससे पहले बंदरों को भगाने के लिए लंगूर को रखा जाता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं संसद सुरक्षा सेवा के सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि भवन की देखरेख करने वाले कुछ कर्मचारी खान पान की बची हुई चीजों को कूड़ेदान या खुले में फेंकते हैं। इससे बंदर और चूहों का आतंक और ज्यादा बढ़ता है। जानकारी के मुताबिक बंदर भगाने के लिए दो तरह के कर्मचारियों को रखा गया है, कुशल और अकुशल। कुशल कर्मचारियों को हर महीने 17,990 रुपए और अकुशल कर्मचारियों को 14,900 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब संसद भवन के परिसर में बंदर के आतंक से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हों। 2014 में भी 40 ऐसे कर्मचारियों का ग्रुप तैयार किया गया था, जो मंकी मैन बनकर बंदरों को भगाने का काम करते थे। इस काम के लिए नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने रबर बुलेट गन भी खरीदी थी। इसके लिए मंकी मैन को एक दिन के 700-800 रुपए मिलते थे। 4 साल पहले भी संसद परिसर और आसपास के इलाके में बंदरों की बड़ी संख्या को लेकर लोकसभा सचिवालय ने एडवाइजरी जारी की थी। इसमें लोगों को सुझाव दिया गया था कि बंदर से नजरें ना मिलाएं और मादा बंदर और उसके बच्चे के बीच से ना गुजरें। बंदरों को भगाने के लिए तेज आवाज करने से बचें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.